हेलो एवरीवन, हमारे टेरिस गार्डन में आप सबका स्वागत है। यह देखिए, भिंडी लगाई थी पहली बार। यह भिंडी जो है, काफ़ी भिंडी तोड़ चुके हैं, अभी ये लगे हुए हैं। ये जो है थोड़े से मेहनत में और काफ़ी भिंडी देते हैं। ये बैंगन देखिए कितना सा डिब्बा में लगाया है और कितना सुंदर बैंगन लगा हुआ है। ये सफ़ेद बैंगन का बीज केवल हमारे पास था, वही लगाया था, इसी सफ़ेद बैंगन के बीज। ऊपर वो रेड हो गया और ये और सफ़ेद हुए हैं इसमें। ये मिर्ची, चार पौधे लगाए थे, अभी वो छोटे हैं और ये एक जो है कटिंग कर दी थी। इसमें देखिए कितनी मिर्ची लगी हुई है। इसमें घर के ऑर्गेनिक वही कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर और वही सब्जियों का खाद बनाते हैं, वही देते हैं, कुछ बाहर का नहीं डालते। और इसी से ये सब इतने हरे भरे। और ये बैंगन पुराने, एक लॉकडाउन के पहले ये बैंगन के पौधे हमने कुशीनगर से मंगाए थे, घर है हमारा कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। और वही बैंगन के तीन पेड़ मंगाए थे, तीन लगा दिए थे और पूरे साल बैंगन निकल ही रहे हैं, कुछ न कुछ बैंगन दे ही रहे हैं। हरदम लगते हैं, कुछ वीडियो डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं यूट्यूब पे। और देखिए हरदम बैंगन इसमें लदे रहते हैं, हर हफ्ते में 10 दिन में बैंगन निकलते ही निकलते हैं। ये देखिए वाइट वाले बैंगन कितने सुंदर। अच्छा लगता है जब मेहनत का फल इस तरीके से मिलता है। ये भिंडी के पौधे देखिए, नीचे वो तोड़े हुए दिख रहे हैं, अभी लगे हुए हैं। ये मेहनत का फल ऐसे मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बैंगन, ये तीसरा पेड़ है, इसी बैंगन के सीड रख दिए थे, इसी में से गिराए थे, लेकिन लगाया नया पौधा, तीन और पौधे लगाए, उसमें एक तो वाइट निकल गया अभी पहले दिखाए थे और दो पौधे रेड बैंगन निकल गए हैं। सीड एक ही थी। ये देखिए ये पहली बार फ्रूटिंग दे रहा है। और देखिए कितने बैंगन लगे हैं, रेड बैंगन अक्सर तो गिने चुने बैंगन उसमें लगते हैं, लेकिन इसमें तो गुच्छे के गुच्छे बैंगन लगे हुए हैं। यह देखकर इतनी खुशी होती है, ये क्या बताएं। ये लौकी, पहले भी लौकी तोड़ चुके हैं, ये लास्ट लौकी। अब तो छोटे छोटे लगे हुए हैं लौकी, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो बचेंगे।